देश में चर्चा है बुलडोजर कार्रवाई की। प्रयागराज में हिंसा के आरोपी मोहम्मद जावेद के घर के हर कोने की धज्जियां उड़ा दी गईं। फिर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हुई आफरीन फातिमा की। जेएनयू वाली फातिमा, कनेक्शन प्रयागराज में हिंसा का मास्टरमाइंड जावेद की बेटी, बस फिर क्या था। बुलडोजर चलने के बाद आफरीन फातिमा का नाम तो मीडिया की सुर्खियों में छाया ही, लेकिन साथ ही शाहीन बाग, जेएनयू, जामिया, सीएए, एनआरसी जैसे कीवर्ड्स भी ट्रेंड करने लगे। तो आखिर कौन है ये आफरीन? देश में इन दिनों प्रधानमंत्री से भी ज्यादा चर्चा नुपुर शर्मा की है। पैगंबर मोहम्मद पर दिया गया उनका एक स्टेटमेंट दुनिया के कोनों तक सुनाई दे रहा है। देश के कई राज्यों में हिंसा की आग जल रही है। देश के तमाम शहरों की तरह ही प्रयागराज में भी जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी और हिंसा का दौर शुरू हुआ। योगी सरकार एक्शन में आई और हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे जावेद मोहम्मद के घर को बुलडोजर से नेस्तनाबूद कर डाला। इस घटना के बाद से सोशल मीडिया पर विरोध के स्वर उठने लगे और आफरीन फातिमा का नाम सुर्खियों में आने लगा। आफरीन फातिमा जावेद अहमद की बड़ी बेटी हैं, जो कि दिल्ली में रहती हैं। जानकारी के मुताबिक आफरीन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू में पढ़ाई कर रही हैं। इसके साथ ही आफरीन फातिमा जेएनयू में स्टूडेंट यूनियन की काउंसलर भी हैं। आफरीन ने एनटीसीए प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। शाहीन बाग में आंदोलन के दौरान आफरीन फातिमा जेएनयू से लेकर इलाहाबाद तक सक्रिय रही थी। साथ ही आफरीन हिजाब बैन के दौरान भी काफी मुखर रही। इतना ही नहीं, जेएनयू की छात्रा आफरीन ने हिजाब बैन के दौरान साउथ इंडिया में कई शहरों का दौरा कर प्रोटेस्ट में हिस्सा भी लिया। जानकारी के मुताबिक प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद की बड़ी बेटी आफरीन का जन्म प्रयागराज में हुआ था। आफरीन ने ग्रेजुएशन के लिए एएमयू में दाखिला लिया, जबकि एएनयू से लैंग्विस्टिक्स में बीए ऑनर्स और एमए किया। आफरीन एएमयू में पढ़ाई करने के दौरान ही छात्र राजनीति में सक्रिय हुई। तभी से वो छात्रों की समस्याओं पर अपने विचार प्रमुखता से जाहिर करती रही हैं। 11 जून को आफरीन फातिमा ने राष्ट्रीय महिला आयोग को एक पत्र लिखा। सोशल मीडिया पर डाले गए इस पत्र में उन्होंने अपने माता पिता और बहन की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा था कि पुलिस उनके घर वालों को जबरन घर से बाहर निकाल रही है। ताजा जानकारी ये है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आफरीन फातिमा और उनके पिता मोहम्मद जावेद के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसके बाद जेएनयू में देर शाम जावेद की बेटी आफरीन फातिमा के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। वहीं एसएसपी ने बताया कि मोहम्मद जावेद की एक बेटी फातिमा जेएनयू में पढ़ती है, जो जावेद को राय देने का काम करती है। अगर वो इस मामले में दोषी पाई गई तो दिल्ली पुलिस से संपर्क कर अपनी टीमें वहां भेजकर उसे हिरासत में लिया जाएगा। वहीं प्रयागराज हिंसा में पुलिस ने 95 लोगों के खिलाफ नामजद और 5000 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।